एक सवाल मैं पूछूंगी कि बहुत सारे लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं कि रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, नौकरी में रिवॉर्ड नहीं मिला, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, तनख्वाह वक्त पे नहीं आ रही, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की, क्या जरूरत है काम करने की, बस ठीक है ऐसा भी है। और आजकल के जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इस पर आप क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि ये हालात तो मेरे ख्याल से हर जगह आजकल देखने में, क्योंकि मेहनत से हम लोग भागते हैं लेकिन चूंकि रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा ना, रिवॉर्ड की तलाश में, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे। ये तो मैंने आपका प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि वो मिस्त्री और मजदूर वाली बात एग्जैक्टली वही बात दोबारा आ गई है हमारे पास। आपको नहीं मिल रहा तो धोखा ना दे फिर उन्हें, आपके मैं तो काम नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए क्या, फिर भी वो मेहनत किए जाएं, वो अपनी लाइन से ना हटें, क्या उनको मेहनत बरकरार रखनी चाहिए या एक टाइम पे आके अल्लाह उनको कहीं और से रिवॉर्ड दे देगा। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला मेहनत को जाया नहीं करता, मेहनत का रिवॉर्ड किसी ना किसी शक्ल में, देखिए तवाना ही जाया नहीं होती है। कोयले को जला ले आग बनेगी, स्टीम बना ले, टर्बाइन चला ले, ट्रेन चला ले, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह सही रुख पर की गई मेहनत कभी जाया नहीं होती, आज नहीं तो कल आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलता है। शर्त यह है कि वो सही रुख पर की गई हो, हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं होती, हमारा रुख सही नहीं होता और फिर हम कहते हैं कि रिवॉर्ड नहीं मिलता, एक बड़ी मेजर रीजन ये है। दूसरी बात, जो आप नौकरी की बात कर रही है वो भी एक माइंडसेट है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूबे रवायत में है कि रिज़क के 10 में से 9 हिस्से तिजारत में है, अपना काम करने में, ऐसे यूं कह लें आप। तो आप देखें कि अगर ये हदीस सही है, क्योंकि मैं शेखुल हदीस तो नहीं हूं ना कि मैं इसकी वो सनद के ऊपर बात नहीं करूंगा, मगर मैंने सुना हुआ है ये, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर सीधी सी बात है कि हमें अगर ज्यादा कमाना है तो हमें अपना काम एंटरप्रेन्योरशिप तिजारत बिजनेस की तरफ जाना होगा। अच्छा, वो कहते हैं कि 90% उधर है, तो हमारी 90% आबादी, तो बल्कि 99% आबादी वो कर रही है जॉब और 1% कर रहे हैं बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप, तो फिर 90% रिजक जो है वो तकसीम होगा 1% से लेकर 5% में और 10% रिजक तकसीम होगा बाकी लोगों में। शिकवा क्यों कर रहे हैं, आपने रास्ता गलत चूज किया, खुद ही आपने अपने आगे हर्डल वो बना दी। अगर आप मुख्तलिफ नतीजा लेना चाहते हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ दरवाजा खोलना होगा।